नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसर्न। रतन एम्पोरियम कंपनी पर अपने 6 माह से रुके पीएफ की राशि नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने रेसिडेंसी कोठी पर ठेकेदारों और मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने रतन एम्पोरियम ठेकेदार कंपनी पर पीएफ की राशि हड़पने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। उनकी मांग है कि ठेका निरस्त होने के पहले पीएफ मिले और एसआई का पैसा नहीं। 2016 से कंपनी में कार्यरत 49 कर्मचारियों को अब तक पीएफ और एसआई का नहीं किया है भुगतान। नाराज कर्मचारियों ने इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर कंपनी के एमडी और ठेकेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी लगातार 6 माह से केवल आश्वासन दिए जा रही है, लेकिन पीएफ और एसआई के भुगतान की उनको मंशा नजर नहीं आ रही है। ऐसे में नाराज कर्मचारियों ने कंपनी के एमडी रमनवीर सिंह अरोरा, ठेकेदार प्रदीप गुप्ता और मंजू जायसवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ठेका निरस्त होने के पहले पीएफ की राशि दिए जाने की मांग की। हड़ताली कर्मचारियों ने कंपनी के एमडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 28 फरवरी को कंपनी का समय पूरा होने जा रहा है और आगे कंपनी का टेंडर जारी रहेगा या नहीं, इसमें भी संशय बना हुआ है। लगातार रतन एम्पोरियम कंपनी के एमडी रणवीर सिंह अरोरा द्वारा कर्मचारियों को झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगे नहीं मानने को लेकर कंपनी को चेतावनी दी है, कहा कि समय पर पीएफ का भुगतान नहीं हुआ तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। सर, पीएफ के लिए 6 महीने से हमको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें 8 दिन में, 15 दिन में, फिर 1 महीने में, फिर 3 महीने में, बस आश्वासन ही देते, पीएफ दे नहीं रहे। और कल से हड़ताल पे हैं, कोई सुनवाई नहीं। कल हमारी कंपनी का जीएम सर और मैडम मंजू सा आई थी, उन्होंने भी बात की, लेकिन बोलते तुमको बीस से पच्चीस तारीख के बीच में यूएन नंबर जनरेट कर देंगे और इनका ठेका 28 फरवरी तक ही लास्ट, और पैसे डालने की कोई बात ही नहीं कर रहा, बस आश्वासन दे के चले जाते हैं। और ये तक 6 महीने से चल रहा है कि तुमको दे देंगे, और सैलरी भी हर बार हड़ताल करते हैं तो ही आती है, उसके बगैर नहीं आती है। 25 से 30 तारीख तक हर बार कर देते, कभी कभी तो तीसरा महीना भी लग ही जाता है। कितने कर्मचारी हैं यहाँ? वैसे 50 कर्मचारी, अभी 25 लोग करीब हैं, और अभी 2 से 3 लोग का पीएफ भी आया, तो वो भी आधा और अधूरा आया है। कौन सी कंपनी है? रतन एम्पोरियम है। कौन ठेकेदार? रमन सिंह अरोरा एमडी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या? इसे हड़ताल पे बने रहेंगे जब तक हमको पीएफ पूरा कंप्लीट नहीं करवाते हैं। आपको परिचय? मैं यहाँ किचन में हूँ, और विशाल सिंह चौहान नाम है मेरा। क्या मांगे हैं आज आप हड़ताल पर? हमारी मांगे ये है कि हमारे को पीएफ और एसआई दिया जाए। हम लोग को 6 महीना से विश्वास दिलाया जा रहा है कि तुम लोग को पीएफ मिल जाएगा, लेकिन 6 महीना से प्रदीप गुप्ता सर और मंजू जायसवाल सर और मेरे मालिक एमडी रमनवीर सिंह अरोरा ये आकर के 6 महीना से तारीख पे तारीख दिए, लेकिन हम लोग हर तारीख का बात मान लिए, लेकिन अब इस टेंडर को लास्ट है। ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग का पैसा खा के निकल जाए, क्या कि 28 फरवरी लास्ट है इनका। अब टेंडर इनको मिलेगा किनको मिलेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद कम है इनको। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इन लोग को टाइम पे टाइम तारीख पे तारीख ले रहे हैं, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं लग रही है हमको। हम लोग को ये लग रहा है कि ये लोग पैसा लेके भागने के चक्कर में लगे हुए हैं। कौन सी कंपनी? रतन एम्पोरियम। कब से इनके पास? ये 2016 मार्च, हाँ, हम 2016 से ही हैं। कितने कर्मचारी हैं? 49 के कर्मचारी हैं। अभी फिलहाल में 25 से 30 लोग आए हैं और अभी आ रहे हैं ड्यूटी पे। तो अभी सैलरी नहीं आ रही है? सैलरी तो हड़ताल करते तो सैलरी आ जाती है, लेकिन पीएफ हम लोग को 6 महीने से तारीख पे दे रहे हैं, लेकिन पीएफ मिल नहीं रहा है। मेरा नाम सरफराज है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।